NTAUGCNET ఇవన్నీ ఇమేజినేట్ డౌన్లోడ్ ఇట్ ఆన్ గూగుల్ ప్లే స్టోర్ सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल को और दबाइए बेल आइकन ताकि आप पास के हमारी आने वाली वीडियो बढ़े आसानी से। हेलो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम रोहतास निमी है और आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल निमीजी नेट पर। दोस्तों आज हम पेपर फर्स्ट में कम्युनिकेशन टॉपिक करने वाले हैं। ये जो टॉपिक है हमारा आसान टॉपिक हम कह सकते हैं, लेकिन फिर भी हमें इसमें ध्यान देने की ज़रूरत है क्योंकि कई बार ऐसे कॉमन सेंस के क्वेश्चन आ जाते हैं जिनके अंदर हम कन्फ्यूज हो जाते हैं कि इसका ऑप्शन ए आएगा या बी आएगा या सी आएगा, तो वो थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है। तो उन सभी को समझने के लिए ये टॉपिक हमें थोड़ा सा ध्यान से करने की आवश्यकता है। तो इस वीडियो में हम कम्युनिकेशन को बहुत अच्छे से जानने की कोशिश करेंगे, तो ये वीडियो आप पूरा देखना और ध्यान से देखना। देखिए कम्युनिकेशन टॉपिक करने से पहले हमें इसकी बेसिक चीज़ पता होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जैसे कि संचार है, संचार क्या है इसके बारे में हमें बेसिक पता होना ज़रूरी है। दोस्तों अब देखिए, इन्होंने कहा है कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, ये हम सभी को पता है, और संचार करना उसकी प्रकृति है। अपने भावों व विचारों का आदान प्रदान करना उसकी जन्मजात प्रकृति है। अब देखिए जो मनुष्य है जब वो जन्म लेते ही ऐसा नहीं है कि बच्चा जो सब कुछ सीख जाता है, लेकिन फिर भी वो कम्युनिकेशन करता है, वो रोता है, वो हंसता है, खेलता है, यानी कि किसी ना किसी तरह से वो कम्युनिकेट करने की कोशिश करता है। तो इसी लिए कहा जाता है कि जो कम्युनिकेशन है वो हमारा जब जन्म लेते हैं तब से शुरू हो के और जब हम मरते हैं तब तक हमारा कम्युनिकेशन चलता रहता है। और ये देखिए जैसा ऐसा माना जा सकता है कि मानव के अस्तित्व में आने के साथ ही संचार की आवश्यकता का अनुभव हो गया होगा। ये बात भी बिल्कुल सही है दोस्तों, जब मनुष्य ने पहली बार जन्म लिया तभी से इसकी आवश्यकता महसूस हो गई होगी। तो यहाँ पे आप बेसिक चीज़ें पढ़ सकते हैं। और नॉर्मल भाषा में हम कहें तो ये देखिए कि संचार क्या होता है। संचार एक ऐसी चीज़ होती है जिसके अंदर हम अपने हाव भाव और संकेतों के द्वारा अपना संदेश किसी दूसरे मनुष्य तक पहुँचाते हैं। और उसके लिए ये कोई ज़रूरी नहीं है कि हमें पढ़ा लिखा होना चाहिए या फिर ज़्यादा एजुकेशन होनी चाहिए, ये कोई ज़रूरी नहीं है। हम अपने हाव भाव किसी भी तरीके से अपनी बात दूसरे तक पहुंचा सकते हैं। और इसके अंदर देखिए संचार क्या है, अब इससे ये तो हमने ऊपर नॉर्मल बात की थी, अब सही तरीके से समझे तो इसे संचार क्या है, व्हाट इज कम्युनिकेशन। सार्थक चिन्हों द्वारा सूचना को आदान प्रदान करने की प्रक्रिया संचार है। किसी सूचना या जानकारी को दूसरों तक पहुंचाना संचार है। जब मनुष्य अपने हाव भाव संकेतों वाणी के माध्यम से सूचनाओं का आदान प्रदान आपस में करता है तो वह संचार है। यही बात दोस्तों जो मैंने आपको बताई है। अब देखिए संचार की हम डेफिनेशन कर लेते हैं क्योंकि इसमें से एक क्वेश्चन पहले आ चुका है और आगे भी शायद क्या पता आ जाए, तो ये हमें करना ज़रूरी है। देखिए कम्युनिकेशन इंग्लिश में भी आप देख सकते हैं, कम्युनिकेशन शब्द लैटिन भाषा के कम्युनस से लिया गया। अब इसकी जो स्पेलिंग है ना दोस्तों वो ध्यान में रख लेना आप, ये देखिए COMMUNIS ये इसकी स्पेलिंग है। हो सकता है कि वो ऑप्शन के अंदर कुछ और चेंज करके लिख दे, तो ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, जो लैटिन भाषा के कम्युनस से बनाए जिसका अर्थ है टू इम्पोर्ट टू मेक। ठीक है, तो इसका जो अर्थ है वो ये है, मन के विचारों व भावों का आदान प्रदान करना अथवा विचारों को सर्वमान्य बनाकर दूसरों के साथ बांटना ही संचार है। यानी कि जो हम बात कह रहे हैं वो ऐसी बात, ऐसा तरीका होना चाहिए कि जो अगले तक समझ में आ जाए। अब देखिए हम मान के चलते हैं कि कोई अंग्रेज़ हमारे पास आ जाए और हम अपनी लोकल लैंग्वेज में उससे बात करें तो वो नहीं समझ पाएगा, तो हमें ज़रूरी है कि हम भी उसके साथ उस लैंग्वेज में बात करें वो लैंग्वेज जो वो समझ सके। दोस्तों अगर आप चाहें तो बहुत अच्छे से स्टडी करने के लिए हमारा पेड कोर्स भी ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अंदर हम आपको सभी 10 यूनिट के स्टडी नोट्स देते हैं, थ्योरेटिकल वीडियोस देते हैं, इसके साथ साथ 2012 से लेके दिसंबर 2019 तक ओल्ड ईयर क्वेश्चन पेपर देते हैं विद टॉपिक वाइज क्वेश्चन। जैसे कि आज तक रिसर्च के क्वेश्चन आ चुके हैं वो हमने अलग रखे हैं, टीचिंग के क्वेश्चन अलग रखे हैं, कम्युनिकेशन के अलग रखे हैं, इस तरीके से सभी 10 यूनिट के जो क्वेश्चन हैं आपको अलग अलग किए हुए मिलेंगे। इसके साथ साथ दोस्तों हम आपको सभी 10 यूनिट के लाइव मॉक टेस्ट देते हैं। दोस्तों अगर आपको हमारा पेड कोर्स ज्वाइन करना है तो जल्दी से जल्दी हमें इस व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट कीजिए सके। ठीक है, तो ये होता है इसके अंदर, ये वही बात है, ये आप यहाँ से पढ़ सकते हैं, नॉर्मल चीज़ें हैं। आगे हम देखते हैं दोस्तों,
आगे जो डेफिनेशन दिए अलग अलग थिंकर ने क्या क्या कहा इनके बारे में, हम ये भी पढ़ लेते हैं। चेरी के अनुसार संचार उत्प्रेरक का आदान प्रदान है, यानी कि उत्प्रेरक भी इसी तरीके से कह सकते हैं कि जो अपनी भावनाएं वगैरह उनका आदान प्रदान है। सैनन ने संचार को परिभाषित करते हुए कहा है कि एक मस्तिष्क का दूसरे मस्तिष्क पर प्रभाव है, यानी कि हम अपनी थिंकिंग के जरिए दूसरे की थिंकिंग को चेंज करते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं, संचार कहते हैं। ये सेनन का कहना है। मिलन ने संचार को प्रशासनिक दृष्टिकोण से प्रभाषित किया है। आपके अनुसार संचार प्रशासनिक संगठन की जीवन रेखा है। अब ये देखिए, प्रशासन में भी हमारा जो है संचार होता है। जब हम कोर्ट वगैरह में जाते हैं तो वहाँ कितना संचार होता है, तो इसे भी इन्होंने प्रशासनिक दृष्टि से संचार को महत्वपूर्ण माना है। और वीवर के अनुसार, वीवर ने क्या कहा है, वीवर के अनुसार वे सभी तरीके जिनके द्वारा एक मानव दूसरे को प्रभावित कर सकते हैं संचार के अंतर्गत आते हैं। न्यूमैन एंड समर के दृष्टिकोण में संचार दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच तथ्य, विचारों या भावना का पारस्परिक आदान प्रदान है। ठीक है, ये बात भी इनकी सही है। और विल्वर के अनुसार संचार एक ऐसी प्रक्रिया जिसके द्वारा श्रोता जो सेंडर है से श्रोता तक संदेश पहुंचाया जाता है, यानी कि एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक संदेश पहुंचाया जाता है। तो यहाँ से आप ये पढ़ सकते हैं, और ये हमने दिया, यहाँ भी आप पढ़ सकते हैं। आगे हम देखते हैं दोस्तों, संचार की जो प्रकृति है वो कैसी है, ये हम देखते हैं। नेचर ऑफ कम्युनिकेशन कैसा है, इसमें से भी क्वेश्चन आ सकता है। देखिए, संचार विज्ञान एवं कला दोनों है, ये हमें समझना ज़रूरी है कि संचार विज्ञान भी है और कला भी। अब देखिए, विज्ञान किस तरीके से, विज्ञान इस तरीके से कि आज हमने कम्युनिकेशन करने के लिए वो जो टेलीफोन बना लिए है, स्मार्टफोन बना लिए, तो ये क्या है, ये हमारा विज्ञान के अंदर आता है। और दूसरा, कला की अगर हम बात करें तो कला ये होती है जैसे कि किसी के भाषण देने का तरीका बहुत अच्छा होता है, वो दूसरे को बहुत प्रभावित कर सकता है, तो उसे हम क्या कहेंगे, संचार जो है वो कला और विज्ञान दोनों है। संचार एक जन्मजात गुण है, यानी कि जो संचार है जब हम जन्म लेते तभी से शुरू हो जाता है। और संचार एक सामाजिक प्रक्रिया है। अब देखिए, संचार क्या है, एक सामाजिक प्रक्रिया, सोशल प्रोसेस है जिसके अंदर हर कोई जो व्यक्ति है वो संचार करता है, चाहे वो अनपढ़ हो, चाहे पढ़ा लिखा हो, चाहे कैसा ही हो, वो संचार करता है। आगे हम देखते हैं, संचार एक मानवीय प्रक्रिया है। अब ये देखिए, कम्युनिकेशन इज ए ह्यूमन प्रोसेस, वास्तव में संचार एक मानवीय प्रक्रिया जिसमें संचार के दोनों पक्ष, प्रेषक एवं प्राप्तकर्ता, सामाजिक प्राणी होते हैं, और समाज संचार की संपूर्ण प्रक्रिया व्यक्ति या व्यक्तियों के समूह के मध्य ही संपन्न होती है। अब ये देखिए, कुछ हद तक इसको कह सकते हैं कि जो संचार है मानवीय प्रक्रिया है, इसके अंदर एक इंसान दूसरे इंसान को संचार सेंड करता है, भेजता है, लेकिन यहाँ पे हम ये भी कहेंगे कि इसके अंदर अन्य प्राणी हैं वो भी अपना संचार करते हैं, जैसे कि पशु पक्षी है वो भी अपना संचार करते हैं। तो वो क्या है कि मानवीय यानी कि प्राणी की जो है वो प्रक्रिया है ये। अब देखिए, निर्जीव वस्तु है वो संचार नहीं कर सकती, तो ये है इसके अंदर। आगे दोस्तों, संचार एक सार्वभौमिक प्रक्रिया है। अब देखिए, जो कम्युनिकेशन है वो यूनिवर्सल प्रोसेस है, संचार के सिद्धांत सार्वभौमिक प्रकृति के होते हैं। अब देखिए, जो संचार है वो हर जगह होता है, पूरे वर्ल्ड के अंदर होते हैं, जो इसके सिद्धांत है संचार के वो पूरी दुनिया पे लागू होते हैं। ठीक है, तो ये इसके अंदर होता है। आगे हम देखते हैं कि संचार की विशेषताएं, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कम्युनिकेशन क्या है, ये हमें देखना ज़रूरी है। इसमें से पहले एक क्वेश्चन आ चुका है, रुकिए दोस्तों, अभी हम देखते हैं। अब देखिए, इसमें मुख्य रूप से पांच चीज़ें होते हैं, वो मैं आपको बताऊं कि सबसे पहले होता है संदेश वाहक, वक्ता या लेखक, यानी कि जो व्यक्ति संदेश देना चाह रहा है किसी व्यक्ति को, तो वो हो गया सेंडर, सबसे पहले सेंडर, संदेश देने वाला। उसके बाद हो गया मैसेज, यानी कि जो हम संदेश देना चाहते हैं। सेकंड नंबर पे वो आता है मैसेज आता है, यानी कि विचार। तीसरा आता है दोस्तों हमारे पास मीडियम, यानी कि किस माध्यम से हम दे रहे हैं उसको, यानी कि चिट्ठी लिख के दे रहे हैं, या फिर मेल भेज रहे हैं, या फिर उसको टेलीफोन पे बात कर रहे हैं, किस तरह से हम उसको, किस मीडियम से अपना मैसेज है वो दे रहे हैं। अगला है दोस्तों रिसीवर,
यानी कि क्या जो रिसीव करने वाला अगला व्यक्ति है वो भी होना जरूरी है ना दोस्तों। अगर आगे आगे कोई रिसीव करने वाला ही नहीं है तो हमारे जो मैसेज है उसका कोई मतलब नहीं बनता। उसके बाद दोस्तों हमारा फीडबैक, यानी कि रिसीवर ने, किसी व्यक्ति ने हमारा संदेश प्राप्त कर लिया, उसके बाद उसकी क्या प्रतिक्रिया हुई है वो हमारे लिए जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और एक चीज़ और आती है दोस्तों इन सभी के बीच में, वो आती है नॉइज़, यानी कि एरर। अब देखिए, हम जब संदेश भेजते हैं तो उसमें कुछ खराबी भी आ सकती है। जैसे कि मान के चलिए हम फ़ोन पे बात कर रहे हैं, फ़ोन पे बात करते करते हमारे पीछे से कोई बाइक गुजरा तो उसका जो शोर आएगा तो अगला व्यक्ति क्या है कि वो अच्छे से नहीं सुन पाएगा कि हमने क्या कहा है, तो वो नॉइज़ आती है, ठीक है। लेकिन उन सभी में से ये जो पांच तत्व हैं ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और इसमें से एक क्वेश्चन पहले भी आ चुका है दोस्तों, ये जो सीक्वेंस है, ये सीक्वेंस आपको याद रखना बहुत ज़रूरी है। ये सीक्वेंस पहले क्वेश्चन में आ चुकी है, क्वेश्चन पेपर में पहले आता है सेंडर, मैसेज, मीडियम, रिसीवर और फिर आता है फीडबैक। ये चीज़ आपको ध्यान रखना ज़रूरी है। आगे देखते हैं दोस्तों, आगे और क्या विशेषताएँ हो सकती है इसकी संचार की। अब देखिए, संचार एक सतत प्रक्रिया, यानी कि संचार जो है कंटिन्यूसली चलने वाली प्रोसेस है, ये हमेशा चलती रहती है। आगे है, यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं इसके बारे में, संचार अर्थ संचारित करने का माध्यम है। अब देखिए, संचार का एक्चुअल मायने में मीनिंग क्या होता है, इसका मतलब ये होता है कि जो चीज़ हम कह रहे हैं वो अगले को समझ में आए, ये तो है इसका असली अर्थ, ठीक है। यानी कि अगर हम कोई बात समझाना चाह रहे हैं, अगर वो अगला व्यक्ति गलत तरीके से उसे समझ लेता है तो वो हमारा संपूर्ण तरीके से हम कम्युनिकेशन या संचार उसे नहीं कह सकते, ठीक है। और इसके अंदर एक और चीज़ जो आपको ध्यान रखने वाली है दोस्तों, ये भी पहले क्वेश्चन पेपर में आ चुकी है कि संचार प्रक्रिया में सूचना प्रेषण करने वाले को एनकोडर कहा जाता है, यानी कि जो व्यक्ति इन्फॉर्मेशन भेजता है उसे हम क्या कहते हैं, एनकोडर कहते हैं। यानी कि एनकोडिंग करना, मैसेज को एनकोड करना, एनकोड का मतलब ये होता है दोस्तों कि मैसेज को इस रूप में ढालना जिस रूप में अगला व्यक्ति समझ सके, ठीक है। और सूचना प्राप्त करने वाले को डिकोडर कहा जाता है, जो व्यक्ति सूचना ले रहा है वो उस हिसाब से सूचना को ले कि वो खुद समझ सके और आगे किसी को समझा सके। अब देखिए, इसका मैं एक आपको छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। अब मान के चलते हैं कि फॉरेन का, यानी कि दूसरी कंट्री का हमारे पास कोई व्यक्ति आ जाता है, ठीक है। दूसरी कंट्री का कोई व्यक्ति आ गया, वो वहाँ पर कुछ चीज़ समझा रहा है, हमारे देश में ये चीज़ होती है, वो चीज़ होती है, गाँव के लोगों को समझाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन गाँव के लोग नहीं समझेंगे उसकी बात को, ये इंग्लिश में बोल रहे हैं। इस दौरान क्या होगा कि एक व्यक्ति आया जो पढ़ा लिखा है हमारे गांव का, तो उस व्यक्ति ने क्या किया, अंग्रेज व्यक्ति जो बोल रहा है उसकी इंग्लिश की जो भाषा है उसको एनकोड किया, गांव की जो लैंग्वेज है लोकल लैंग्वेज में एनकोड किया, ठीक है। और फिर गांव वालों को आगे वो चीज़ उन्होंने बताई। तो ये जो बीच में जो व्यक्ति है दोस्तों, इंग्लिश भाषा को गांव की लैंग्वेज में समझने की कोशिश करता है और आगे समझाता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, एनकोडर कहते हैं, ठीक है दोस्तों। तो इस तरह से होता है एनकोडर और डिकोडर। और आगे हम देखते हैं दोस्तों, ये यहाँ पे आप ग्राफ है, ये भी पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं। अब देखिए, संचार एक द्विमार्गीय प्रक्रिया है, ये भी जरूरी है दोस्तों, ये क्वेश्चन भी आ सकता है। कम्युनिकेशन इज ए टू वे प्रोसेस, ये क्वेश्चन पहले आ चुका है कि जो कम्युनिकेशन है टू वे प्रोसेस है, किस तरह से है। अब देखिए, जब हम किसी को मैसेज भेजते हैं तो हम चाहते हैं कि हमें ये पता होना चाहिए कि क्या अगले के पास मैसेज पहुंचा या नहीं पहुंचा, और अगले की क्या प्रतिक्रिया है वो हमें पता होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यानी कि जब तक अगले का फीडबैक ना मिले हमें तो वो कम्युनिकेशन है कम्प्लीट नहीं माना जाता। तो इसलिए कहा जाता है कि जो कम्युनिकेशन है वो द्विमार्गीय प्रक्रिया, टू वे प्रोसेस है, ये आपको ध्यान में रखना जरूरी है। यहाँ पे ऐसे आ सकता है क्वेश्चन के अंदर, कम्युनिकेशन इज ए वन प्रोसेस, टू वे प्रोसेस, मल्टी वे प्रोसेस और नन ऑफ द वो, ठीक है। और आगे देखते दोस्तों, संचार माध्यम के विभिन्न प्रकार। अब देखिए, जो संचार हम करते हैं उसके मीडियम जो है वो काफ़ी तरह के मीडियम हो सकते हैं। देखिए, पहले क्या था कि पहले हम चिट्ठी लिख के भेजते थे मैनुअल तरीके से, लेकिन आज के टाइम में क्या है कि आज के
टाइम में, जैसे टेलीफेक्स आ गया, ईमेल आ गया, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग आ गया, और जैसे कि आजकल ब्रॉडकास्टिंग भी आ गया जिसे हम मास कम्युनिकेशन कहते हैं। जैसे कि आप ये वीडियो देख रहे हैं, एक वीडियो को हज़ारों लोग देख रहे हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं, मास कम्युनिकेशन कहते हैं। यानी कि एक समय में हज़ारों सैकड़ों लोगों तक संदेश पहुँचाना उसे क्या कहते हैं, मास कम्युनिकेशन कहते हैं। तो ये जो है कि नए चैनल आए हैं, नए मीडियम आए हैं कम्युनिकेशन के, तो ये होता है दोस्तों इसके अंदर मुख्य रूप से। तो दोस्तों ये था आज का हमारा कम्युनिकेशन से रिलेटेड एक बेसिक लेक्चर, जिसके अंदर हमने बताया कि कम्युनिकेशन क्या होता है, कम्युनिकेशन का अर्थ क्या होता है, और उसके अंदर क्या क्या विशेषताएं होती है, और कम्युनिकेशन के का जो नेचर है वो क्या होता है, इनमें से क्वेश्चन आने की संभावना है दोस्तों। और अगर आपको कोई बात समझ में नहीं आई हो तो आप हमसे पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स के ज़रिए, हम आपके सभी सवालों का जवाब देने की पूरी पूरी कोशिश करेंगे। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। और दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और घंटे का बटन ज़रूर दबाइए ताकि आप हमारी आने वाली वीडियोज़ को आसानी से देख सकें। थैंक यू दोस्तों।